पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का साथ दिया है और ये तो मामला पाकिस्तानियत से बढ़कर इंसानियत का है, ये मुकाबला एक मुल्क से बढ़कर एक ज़हनियत का है। अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में इतना बड़ा मुजाहरा, अगर किसी को शर्म हो तो वो इतने लोगों को देखकर ही अपने घर चला जाए। तो हम सब किसी मुल्क के किसी नेशनैलिटी के खिलाफ नहीं, लेकिन एक ज़हनियत के खिलाफ है। तो जो मोदी ज़हनियत है उसके खिलाफ है। मैं यहाँ से नारा लगाता हूँ मोदी ज़हनियत, और आप कहिएगा मुर्दाबाद। मोदी ज़हनियत मुर्दाबाद, मोदी ज़हनियत मुर्दाबाद, मोदी ज़हनियत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह वो तो कहते हैं ना कि जो लोगों ने अपने लिए गड़ा खुद खोदा होता है उसमें खुद गिर जाते हैं, वही बात करो। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे जिस तरीके से सलामती काउंसिल का भी इजलास 50 साल बाद बुलाया गया है, मोदी ने जो गड़ा खोदा है उसमें खुद ही गिरेगा और कश्मीरियों को वो हक मिलेगा जो वो चाहते हैं। कश्मीर होगा आजाद, कश्मीरी भाई बहन होंगे आजाद। मैं नारा लगाता हूँ कश्मीरी भाई बहन, आराम से कहेंगे जिंदाबाद। कश्मीरी भाई बहन, कश्मीरी भाई बहन, मोदी ज़हनियत, मोदी ज़हनियत, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। एक बार आप सब लोग अपने लिए भरपूर तालियां बजाते थे सिंगार से, यहाँ जमा हो गए क्या क्या। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन सबके ये दिल की आवाज है, इसलिए वो सब ये कह रहे हैं, मैं कहता हूँ और आप सभी मेरे साथ कहे, वो सब लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह।